हाय स्टूडेंट्स, आज हम फिर मिले हैं एक नया वीडियो में। तो आज जो स्टूडेंट्स तुम लोगों को मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। तो ये जो वीडियो है, तो ये वीडियो तुम लोग अच्छे से देखना, मैं कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने का, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आज कि कोई भी रिकरिंग डेसिमल को हम लोग अपने हिसाब से उसको रैशनल नंबर में या फिर ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देरी नहीं करके चलो, लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, मैंने जो बताया था तुम लोगों को रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, जब हम लोग कोई डिवाइड करते हैं, एज फॉर एग्जांपल मान लो कि टू से अगर हम लोग टू को सिक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद देखो, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट देके ज़ीरो, फिर सिक्स थ्री जा 18, फिर ये टू, फिर पॉइंट दे के ज़ीरो, फिर सिक्स थ्री जा 18, तो फिर ये, तो ये प्रोसेस ये चलते रहेगा, ठीक है। तो चलते रहने के लिए क्या होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.3 रिकरिंग, ठीक है। तो 0.3 रिकरिंग, तो ये रिकरिंग डेसिमल यानी कि ऊपर में जो ये जो मैंने पॉइंट दिया है, इसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों को सीखना है कि हाउ टू चेंज रिकरिंग डेसिमल टू ऑर्डिनरी फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल से एक लॉजिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला लिखेंगे, देखो फॉर्मूला हो जाएगा ओरिजिनल नंबर माइनस नंबर विदाउट रिकरिंग, ओरिजिनल नंबर माइनस नंबर विदाउट रिकरिंग, उसके नीचे होगा 9 एज मेनी रिकरिंग डिजिट फॉलोड बाय 0 एज मेनी नॉन रिकरिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो देखो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, एज फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिया था 0.3 रिकरिंग, तो ये हो जाएगा 0.3 रिकरिंग। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर लिखेंगे 3 माइनस नंबर विदाउट रिकरिंग कुछ है नहीं, तो हम लोग 0 को ही माइनस कर देंगे। फिर बोला गया है 3 एज मेनी रिकरिंग डिजिट, 9 एज मेनी रिकरिंग डिजिट, तो 9 और डेसिमल के बाद जितना डिजिट में रिकरिंग नहीं है उतना तो 0, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा आ जाएगा 3/9, ठीक है, ऐसा आ जाएगा 3/9। तो ये आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3। तो देखो इस तरह से हम लोग करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 2.462
अब ये नंबर है इसके ऊपर, ये दोनों डिजिट के ऊपर रे करेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, फिर वही फॉर्मूला, ओरिजिनल नंबर जो है 2462 माइनस नंबर विदाउट रेकरिंग, इसको जितना नंबर में रेकरिंग डेसिमल नहीं है उसको माइनस कर देंगे, और जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग है उतना ठो 9 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना ठो 0 लिखेंगे। तो इसको माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 2438/990। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में काट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखो, और एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर 3। फोर सिक्स थ्री टू सेवन 46.3271, तो यहाँ से लेकर 2 से लेकर 1 तक रेकरिंग है, तो बीच में रेकरिंग है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें भी रेकरिंग है, ठीक है। तो इसको भी वही करेंगे, 46.3271 ये ओरिजिनल नंबर से हम लोग माइनस कर लेंगे 463, और जितना डिजिट के ऊपर रेकरिंग है उतना तो 9 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट के ऊपर रिकरिंग नहीं है उतना तो 0 लिखेंगे, बस। तो माइनस करने पर इतना आएगा। तो देखो, इसको फिर वापस हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तुम लोग और प्रैक्टिस करते रहना, तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो भी है इसको और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।